बीजेपी ने इस बार तीनों ही प्रदेशों के अंदर जो नेतृत्व दिया है उसमें एक बात तो कहनी पड़ेगी कि बिल्कुल संगठन से जुड़े हुए लोगों को इस बार मौका मिला है कि वो प्रदेश चलाएं, प्रदेश का की कमान संभालें, वरना बड़े चेहरों की कहीं कोई कमी नहीं थी, ना छत्तीसगढ़ में, ना मध्य प्रदेश में, ना राजस्थान में, बल्कि भरमार थी बड़े चेहरों की। तो सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया था, उनमें से किसी पर भी ये दाव नहीं चला भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने। वहाँ ही प्रदेश से आया, प्रदेश का व्यक्ति चुनकर विधायक जो आया हो, वो व्यक्ति संगठन में काम करने की जिसकी क्षमता रही हो, उस चेहरे को मौका दिया गया है, जो जिसका जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से रहा हो, आरएसएस की पृष्ठभूमि जिसकी रही हो, ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशंस इन तीनों राज्यों के अंदर देखी गई हैं, पाई गई हैं, जिसको भी आगे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के तौर पर बढ़ाया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर लेकिन सबको चौंकाया जरूर है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी वो ऐसे तीन नाम लेकर के सामने आई जिनकी चर्चा नहीं थी। दिया कुमारी इसमें आप कह सकते हैं अपवाद है, दिया कुमारी के नाम को लेकर के बहुत चर्चा थी, बल्कि दिया कुमारी को तो ऐसा लग रहा था कि शायद मुख्यमंत्री के तौर पर भी पार्टी जो है वो पेश कर सकती है बस, लेकिन फिर भी दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री होंगी और उनके साथ प्रेमचंद बैरवा, पहला ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया गया है राजस्थान को। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने अब राजस्थान के भी सारे समीकरणों को साथ लिया है। देवेंद्र, बिल्कुल सर, अब और जैसे बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फैसला और एक बड़ा प्रयोग कहें आप, बड़े फैसले से ज़्यादा बड़ा प्रयोग आप कह सकते हैं, क्योंकि ये आइदर वे जा सकता है, और वैसा व्यक्ति जिसके पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं, उसे राजस्थान जैसा प्रदेश जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ के अंतर्गत है, अशोक गहलोत ने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐलान कर दी है, बहुत सारा फिनेंशियल खर्च इस तरीके से किया कि अब जो सरकार आएगी उसे भी वो सारा बर्डन सहना होगा, और वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को कमान देना निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रयोग है, और पार्टी को ये ज़रूर उम्मीद रहेगी कि उस बड़े प्रयोग में अच्छा रिजल्ट राजस्थान के लोगों के लिए भी हो और उसके बाद पार्टी के लिहाज से भी हो। अच्छा, मेहमान हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, प्राची आपका शो है मुकाबला में, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांकर साहब और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। पहला सवाल मैं लेकिन लेना चाहता हूं आपसे अनुमति लेकर के प्रेम जी से, इस सारे मुख्यमंत्रियों के चयन में, उप मुख्यमंत्रियों के चयन में क्या एक फैक्टर, एक पैमाना ये भी था कि मीडिया को हमें हर हालत में गलत साबित करना है? मैं सबसे पहले आदरणीय भजन लाल जी को ढेर सारी बधाइयाँ दूंगा और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सबसे जो है बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ता, सबसे अधिक प्राथमिकता कार्यकर्ता को देनी है। अब उस कार्यकर्ता को प्राथमिकता देते समय मीडिया चौंक जाए ना चौंके, इसका ख्याल रखने की तुलना में संगठन जिससे और बेहतर हो जाए, सरकार बेहतर ढंग से चले, जनोन्मुखी हो, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता की सेवा में तत्पर हो, ऐसी सरकार देना है जो जनाकांक्षाओं को भांप सके और जनाकांक्षाओं को भांप कर उसके अनुकूल निर्णय ले सके, ऐसी सरकार देना जो है प्राथमिकता रही है। जो चेहरा आप लोगों ने चुना है, पहली बार के विधायक बनकर आए हैं भजन लाल शर्मा, आपको नहीं लगता कि एक्सपीरियंस या अनुभव की जरूरत होती है और ये सरकार मुश्किल में ना पड़ जाए आने वाले वक्त में? प्राची जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 2001 में मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, केशुभाई पटेल बहुत अनुभवी विधायक, मतलब बहुत अनुभवी नेता, कई बार के विधायक, मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला उसके पहले बड़े अनुभवी, सुरेश भाई मेहता बहुत अनुभवी, और आदरणीय मोदी जी तब तक विधानसभा का चुनाव के लिए प्रत्याशी भी कभी नहीं थे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सफल इस देश में संभवतः एक भी मुख्यमंत्री आप जो है छिद्रान्वेषण भी करेंगे तो नहीं प्राप्त होगा, और आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में कैसे वो सफल हुए ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। तो किसी की जो है सफलता का जो सूत्र है वो सिर्फ उसका बारंबार विधायक होना या मंत्री होना ही है, मुझे लगता है इससे जो है लोगों को मुक्ति पाने की आवश्यकता है। ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार राजस्थान को मिलने जा रहा है, कोई विशेष खुशी इस बात की हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी में कोई जाति नहीं, आदरणीय मोदी जी कहते हैं चार ही जाति है, गरीब, महिला, युवा और किसान, तो अब जो है उसमें जाति का जातियां ढूंढना तो सारी आपने साधी है इसमें। देखिए, वो कार्यकर्ता दलित, राजपूत, मुख्यमंत्री, ब्राह्मण नहीं है, ये मीडिया के लोगों को विश्लेषण करने का भी कुछ सुअवसर होना चाहिए, लेकिन वो मूलतः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, योग्य कार्यकर्ता हैं, और वो योग्यता से अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे, यही मानदंड है। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सर स्वागत है आपका भी, लेकिन पहले एक आधी बधाई
हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को, मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री तो दिया कुमारी बनी, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि दिया कुमारी को कोई बड़ा रोल मिलेगा। नहीं देखिए, ये हम लोगों को लग रहा था और हमारे जैसे बहुत लोगों को लग रहा था कि दिया कुमारी मुख्यमंत्री बन सकती है वहाँ के समीकरण के लिहाज से। और आज सुबह की कहानी कुर्सी की चर्चा में शायद हम सब लोग एक तरफ जा रहे थे कि फॉरवर्ड कास्ट का ही कोई बनेगा, यानी जिस तरह का सामाजिक संतुलन भारतीय जनता पार्टी साध रही है। और उसमें हमने भी कहा, देवेंद्र ने भी कहा, हम सब लोग एकमत हो रहे थे कि किसी ब्राह्मण का भी भाग्य खुल सकता है। हालांकि हम लोग नाम ले रहे थे सीपी जोशी का, तो मोदी जी तो देखते रहते हैं टीवी, वो कहते हैं अच्छा ये नाम ले लिया तो इसको खारिज करो, इसको कट कर दो। लेकिन सचमुच ये समीकरण साधना पड़ता है। और आज अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी एक तरह से कहें कि हिंदी भाषी प्रदेशों में अकेला ब्राह्मण मुख्यमंत्री है। और आप अगर इस तरह से देखें तो यादव को बनाया मध्य प्रदेश में, आदिवासी को बनाया छत्तीसगढ़ में, और एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री, इसके साथ जो उप मुख्यमंत्री हर जगह किए हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी उस कहें कि सामाजिक समीकरण को साध रही है जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत पहले से लागू करता आ रहा है, अब वो होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए सबकी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको अवश्य दिखेगा। 4 बार के महामंत्री हैं संगठन के, बहुत जिसको कहें कि पार्टी के तौर पर एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता, इनका कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, बहुत लोग जानते नहीं थे। पहली बार इनको उस सीट से लड़ाया गया जो भाजपा की बड़ी मजबूत सीट है, रहने वाले भरतपुर के हैं लेकिन सांगानेर सीट से लड़ाया गया। तो मुझे लगता है कि इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में दरी बिछाने वाला, चाय पिलाने वाला, झंडा लगाने वाला वो अलग अलग नहीं होता है, उनमें से कोई भी कभी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अब देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं क्योंकि राजभवन जा रहे हैं, अब मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो गया है और सरकार बनाने का दावा पेश करना है, वो तस्वीरें भी लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, राजस्थान से, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, क्या आपने प्रेडिक्शन किया था ऐसा कि कोई ऐसा नाम होगा जिसकी दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है, जिसके बारे में, जिसके नाम को कोई नहीं जान रहा है कि पहली बार के विधायक वो चुनकर आ रहे हैं, सोचा था आपने? देखिए, कल जब मोहन यादव जी के नाम की घोषणा हुई थी उसके बाद से तो एक दो बार सभी के दिमाग में आया होगा, मन में भी, कि अब देखें भाई राजस्थान का मोहन यादव कौन होता है। लेकिन राजस्थान के मोहन यादव ने तो एमपी के भी मोहन यादव को मात कर दिया, क्योंकि भजन लाल शर्मा जी, और मैं ये बात पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, कि भजन लाल जी का नाम तो स्वयं भजन लाल जी ने नहीं सोचा होगा, बाकी छोड़िए और किसने सोचा होगा, नहीं सोचा होगा। तो पहली बार के विधायक है, तो देखिए इस बात को देखने के दो तरीके हो सकते हैं प्राची जी। एक तो जैसे प्रेम शुक्ला जी बोले, हर्षवर्धन जी भी बोले कि दरी बिछाने से लेके और पोस्टर बांटने वाले आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बहुत अच्छी तरह से उनका सम्मान किया गया है, पहली बार ये विधायक है। लेकिन दूसरी तरीका इसे ये भी देख सकते हैं कि अब आपकी क्वालिफिकेशन होने की जरूरत ही नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए, भाई ना तो आप जननेता होना जरूरी है आपका, ना आपका लोगों के बीच में लंबे समय से कोई राजनीतिक अनुभव जरूरी है, ना प्रशासनिक अनुभव जरूरी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जैसे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि भाई मोदी जी पहली बार जब बने थे, सर आपके पास जरा तस्वीरें आ रही है राजभवन के अंदर की, भजन लाल शर्मा जी उनके साथ है, वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह जी मुलाकात करने पहुंचे हैं और वो अब अपनी तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो दिया कुमारी भी देखिए उनके साथ में है, वो भी भजन लाल शर्मा के साथ है, उप मुख्यमंत्री की भूमिका उनकी रहने वाली है सरकार के अंदर। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उनके नाम का जब प्रस्ताव विधायक दल की बैठक के बाद पास हो चुका है तो अब वो गवर्नर के पास आए हैं और अब अपनी ओर से सरकार बनाने का दावा वो पेश करेंगे। अब देखना ही होगा कि शपथ कब होता है, छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्रियों की शपथ तो कल है। बिल्कुल सर, अब ये दोनों कल है और राजस्थान का मान के चल सकते हैं कि परसों सेकंड हाफ में कोई समय हो सकता है, अब से थोड़ी देर के अंदर जब राजभवन में औपचारिक तौर पे निमंत्रण दे दिया जाएगा तो समय भी मिल जाएगा, लेकिन परसों की संभावना रहेगी। और प्रधानमंत्री शामिल होंगे तीनों जगह? हाँ बिल्कुल सर, दोनों जगह तो जा ही रहे हैं कल ही, और इसके अलावा राजस्थान भी जाएंगे। देखिए अपनी नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए फिलहाल राजभवन के अंदर मौजूद हैं भजन लाल शर्मा जो कि नए मुख्यमंत्री राजस्थान के चुने गए हैं, वो आप तस्वीरों में देखेंगे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी तस्वीरों में नजर आएंगी, साथ ही साथ वसुंधरा राजे भी आपको तस्वीरों में भजन लाल शर्मा के पास में बैठी हुई नजर आ रही है, और केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर गए राजनाथ सिंह भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।
समीर जी, बड़ा मुश्किल समझा जा रहा था राजस्थान में बीजेपी के लिए कि बड़ा मुश्किल है किसी एक नाम पर सहमति बनाना, खासकर वसुंधरा राजे सिंधिया के रहते हुए। क्या यही फैक्टर भजनलाल शर्मा के फेवर में गया कि उन्हें सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया गया और कोई विरोध भी नहीं हुआ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये फैक्टर रहा होगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के मन में रहा होगा, संघ से फीडबैक लिया होगा और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री का पहले ही तय कर लिया होगा। टिकट देने के समय पार्टी को मुख्य प्रधानमंत्री के नॉलेज में होगा कि मुझे किसे मुख्यमंत्री बनाना, ये तीनों राज्यों में उनका पहले से तय रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि अब ब्राह्मणों को तीनों राज्यों में स्पेस मिला है। छत्तीसगढ़ अंदर उप मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण बने हुए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर राजेंद्र शुक्ला एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण बने और राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री ब्राह्मण बने। तो मुझे लगता है कि अगर तीनों जगह आप देखोगे तो ब्राह्मणों को एक ज़्यादा स्पेस इस बार दी गई है तीनों जगह के अंदर। तो ये मुझे लगता है कि भजनलाल जी के बारे में तो बड़ा सरप्राइज है, पूछ बड़े लंबे समय के बाद हो रही है। लेकिन हाँ, तीनों राज्यों में ब्राह्मण नहीं, मुझे लगता है कि देखिए इसको यूं भी देखना चाहिए, ब्राह्मण राजनीति लंबे समय तक बहुत प्रमुख स्थान पर रही, उसके बाद वो मंडल की पॉलिटिक्स के बाद पीछे गई। भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहा गया तो वो कोर वोट बैंक के तौर पर जुड़े रहे, लेकिन बाद में जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिक पृष्ठभूमि पर और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया, वो कल्याण सिंह, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव और अब उसके बाद हर जगह जो उनका केशव मौर्य उत्तर प्रदेश में, उसके साथ उनको लगता है कि अपना कोर मतदाता जुड़ा रहे, ब्राह्मणों में किसी तरह का यह संदेश नहीं जाएगा कि नहीं उनको छोड़ के पार्टी जा रही, वो कोशिश भारतीय जनता पार्टी अभी। लेकिन संजीव जी की बात अधूरी रह गई, सर मैं आता हूँ आप, लेकिन आपने जो कहा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रेम जी से उसका जवाब ले लें। उन्होंने कहा अब तो कोई क्राइटेरिया रहा ही नहीं, आपको बड़ा नेता होने की जरूरत नहीं है, आपको जनाधार वाला व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है, जिसको चाहे आलाकमान बना दे मुख्यमंत्री। संजीव जी की अपनी राय है, जो व्यक्ति 4 बार का टर्म का जनरल सेक्रेटरी रहा हो, जिसने अपना जीवन संगठन को समर्पित किया हो, अब उसको कोई पत्रकार अनुभवी ना माने तो पत्रकार का मानदंड हो सकता है, लेकिन संगठन का मानदंड है जब हमारे यहाँ कोई जनरल सेक्रेटरी के रूप में 4 टर्म काम करता है तो निश्चित तौर पर वो छोटे से छोटे बूथ वर्कर के संपर्क में होता है, और बूथ वर्कर का जिसका संपर्क हो, बूथ वर्कर के साथ जो काम करता हो, उसका अनुभव नहीं होगा, जनता की समस्याओं को जानता नहीं होगा, उसका कोई प्रशासन के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, ये पत्रकार मान सकते हैं, क्योंकि पत्रकार कई बार जो होते हैं वो ब्रिटेन के और अमेरिका के बारे में सोचते हैं, हम गरीब लोग तो जमीन के बारे में सोचते हैं। नहीं नहीं जी, संजीव जी एक बार जरा जवाब उनके लिए था, उनका भी जवाब आ जाए। मैंने पहले भी कही ये बात कि जो प्रेम शुक्ला जी बात कह रहे हैं वो तस्वीर का एक पहलू है, मैं तस्वीर का दूसरा पहलू दिखा रहा हूँ। मैंने कहा कि दोनों तरह से देख सकते हैं कि दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को आप अर्श से फर्श से अर्श पे ले गए, इतना सम्मान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए तीनों राज्यों में, खासकर एमपी और राजस्थान में, तो जितने नेता थे ना जो अपने आप को नेता समझते थे, तो उन सबकी दुकानें बंद हो गई ना, इन द सेंस दुकान बंद करना एक हल्का प्रयोग किया मैंने वाक्य का, मतलब उन सब ने जो 30 साल 40 साल 50 साल अपनी एक राजनीतिक जमीन तैयार की, भाई जो 10-12 नाम रेस में चल रहे थे, तो अगर सिर्फ एक ही क्राइटेरियन रह गया है कि भाई हमें चौंकाने वाला नाम लाना है, तो मैंने तो सवेरे एक चैनल पे ये बात कही थी कि अब मोहन यादव के बाद किसी बात का कोई मतलब नहीं है, अब तो ये सोचो कि चौंकाने वाला नाम कौन होगा, और चौंकाने वाले नाम में भी मेरी एक गलती होगी, मैंने कहा कि अभी तक जो स्टेज में है उसमें 3 बार के विधायक है जी, लेकिन भूपेंद्र पटेल भी पहली बार के विधायक थे जी, तो बिल्कुल। लेकिन अभी ऐसा है कि मैं दौड़ में नहीं था, तुम दौड़ रहे थे ज्यादा, मीडिया ज्यादा दौड़ रही थी, मैं तो अपने शांति से बैठा था। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपका ट्वीट आया उसके बाद से थोड़ा सा कहीं ना लोगों को लगा, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अवसर मिल रहा है इस जीवन में, लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का अवसर मिला। कांग्रेस सरकार में जिस तरह पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन भाजपा के सरकार में 3 मुख्यमंत्री बने और कहीं भी थोड़ा सा भी 1% भी लीकेज नहीं है, विधायक बहुत को राजनीति बहुत बहुत, यही तो हमारे पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है, और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला है। धन्यवाद, धन्यवाद। जिस तरीके से मान जी, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप, ए भाई भाई एक सेकंड यार, रुक जा मान जी, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे है, ऐसे में महिला डिप्टी सीएम से कुछ फायदा मिलेगा? जिस तरीके से राजस्थान में महिला अपराध टॉप पे, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं,
और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बाहर के सपोर्टर कह रहे थे कि वसुंधरा राजे के सपोर्टर कह रहे थे कि जो वो नाराज है वो लोग। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग नई बातें मत बनाओ यार, कोई बात ही नहीं, आप लोग खुद बना देते हो और खुद ही अपने तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाते हो, गलत है। तो बाबा बालकनाथ को आपने सुना, जो सीएम रेस में समझे जा रहे थे लेकिन अभी बड़े मजाकिया अंदाज में मीडिया से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि मैं तो दौड़ ही नहीं रहा था, आप लोग दौड़ रहे थे। बेवजह गुटबाजी की खबरों को चलाना ठीक नहीं है, ये बाबा बालकनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान को लेकर ये जरूर समझा जा रहा था कि चुनौती बीजेपी के लिए है, तमाम नेताओं जितने बड़े बड़े नेता हैं खासकर वसुंधरा राजे हैं उनकी सहमति भी चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, उनके अलावा किसको बनाना है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर एक नाम करना होगा और यही नाम भजनलाल शर्मा का तय किया गया है। देवेंद्र, यही बीजेपी की वर्किंग स्टाइल भी है कि अंदर चाहे कुछ भी चलता रहे लेकिन बाहर नेता ऐसा बयान देते हैं जिससे लगता है ऑल इज वेल। प्राची, बाबा बालकनाथ ने जो कहा वाकई थोड़ा सा मीडिया वालों को भी समझना होगा कि कई सारे नाम, आप सोचिए कि बाबा बालकनाथ को तो आज कम दर्द हुआ होगा, आज अनीता भदेल की क्या स्थिति रही होगी, और थोड़ी देर पहले तक अगर आप चला रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री हो सकती हैं, सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है, तो वो तो मान रही होगी ना कि भाई मीडिया अगर ये चला रहा है तो हम बन ही रहे हैं, और उसके बाद झटका लगना स्वाभाविक है। लेकिन दूसरी चीज़ देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की ये बीजेपी ऐसी हो गई है, इससे पहले की बीजेपी को अगर आप देखें तो वहाँ इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से आता था बाहर, और उसमें तो कई सारी चीज़ें ऐसी भी आ जाती थी जो कि बाहर नहीं आनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ पर दिल्ली में 2014 में जब वो आए तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी को इस खांचे में डाला कि वही बात सामने आए जिसका सामने आना ज़रूरी है, वो और तभी आए जब बात आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि अब वो सिर्फ संगठन में नहीं सरकार में भी लागू है। जैसे पहले कैबिनेट का एजेंडा बहुत आसानी से पता चलता था, एजेंडा सामने हम लोग रख के कागज़ वगैरह देख लेते थे, अब तो कैबिनेट बैठक शुरू होने से थोड़ी देर पहले तक जानकारी नहीं मिल पाती कि आज के एजेंडा में क्या है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मंत्रियों को भी वही जानकारी मिलती है कैबिनेट बैठक के अंदर, अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय है तो ये उनके फंक्शनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया। और इसमें सरप्राइज इतने बड़े बड़े होंगे, इस बात पे ज़रूर हैरानी है कि अगर प्रशासनिक योग्यता, प्रशासनिक अनुभव ना रहो, योग्यता की बात नहीं कहूँगा, अनुभव ना हो, और फिर भी अगर इतने बड़े चेहरों के बीच आप फैसला लेते हैं, तो प्रेम शुक्ला जी से प्राची आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि जैसे पार्टी बार बार ये कहती है कि बीजेपी का कार्यकर्ता, तो जितने जीते हैं सब बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं, कांग्रेस का तो कोई है नहीं, तो उसमें अनुभव को ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है कि अनुभवी व्यक्ति, प्रशासनिक क्षमता जिसका ऑलरेडी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो उसको दिया जाए, ये नए के पीछे वजह क्या है? देखिए, अभी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी यही बात की गई, उनका प्रशासनिक अनुभव शून्य है। देवेंद्र फडणवीस जी जब बने थे मुख्यमंत्री तब भी यही बात रखी गई, उनका अनुभव शून्य है। मनोहरलाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने तब भी यही बात की गई। पुष्कर सिंह धामी बने तब भी यही बात की गई। जयराम ठाकुर बने तब भी यही बात की गई। लेकिन आप देखिए कि चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर मैंने जितने नाम गिनाए, इन सबका जो है प्रशासनिक अनुभव, अनुभवहीन कहने वाले जब उन्होंने प्रशासनिक दायित्व का निर्वाह किया तो हर किसी को लगा तो अद्भुत कार्य कर रहे हैं। आज जो है नरेंद्र मोदी जी को कौन आदर्श नहीं मानता, योगी जी के नाम का नारा कई अन्य प्रदेशों में भी लगता है, उसी तरह से जो है हमारे देवेंद्र फडणवीस हैं उनका भी जो है आदर्श, जो आप जो है जितने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुए हैं उन मुख्यमंत्रियों में देवेंद्र फडणवीस का कार्यकाल और शरद पवार से आप तुलना कर लीजिए, शरद पवार जो सबसे अनुभवी माने जाते हैं उनसे अधिक भ्रष्टाचार किसी कार्यकाल में हुआ ही नहीं, और देवेंद्र जी कार्यकाल में आप भ्रष्टाचार ढूंढ कर नहीं पा सकते हैं। लेकिन प्रेम जी, आप इतनी सुविधा से कैसे भूल गए तीरथ सिंह रावत, बिप्लव देव, बम्बई, दूसरा पहलू भी तो है, जयराम ठाकुर ने भी चुनाव हरवा दिया। हाँ नहीं, कई बार क्या होता है सफलताएं और विफलताओं का सम्मिश्र होता है, लेकिन सफलताएं आप देखिए 90% सफलताएं हैं, एकाध अपवाद भी गिन लीजिए। अच्छा, जो और जो चेहरे दिवाम बड़े दिखाई दिए, वसुंधरा राजे, भोपाल में शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह को तो चलिए आपने विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, तो ये इनकी राजनीति का दी एंड है? देखिए, कार्यकर्ता की राजनीति का दी एंड हो सकता है क्या? कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता भाव से रहता है, जब पार्टी अंतिम पंक्ति के में खड़े व्यक्ति के साथ न्याय कर रही है तो प्रथम व्यक्ति के साथ तो न्याय वैसे ही सुनिश्चित है। यही सवाल है, न्याय होगा कि नहीं होगा? नहीं, न्याय तो पहले ही हो चुका है भाई, क्या कम रहा है? जिस 16.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे उसको आप सोच रहे हैं कि अगर किसी अन्य को अवसर दे दिया गया तो उस पर अन्याय हो गया, ये मीडिया का भाव हो सकता है? स्वयं शिवराज सिंह चौहान ये भाव कभी नहीं ला सकते मन में।
समीर जी, पुराने चेहरों को दरकिनार करना या पुराने चेहरों से ऊपर एक नए चेहरे को, एक ऐसे चेहरे को जिसका अनुभव उनके कंपैरिजन में बहुत कम है, तरजीह देना, ये क्या मैसेजिंग देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? सीधा सा गणित सीधा मैसेज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दे रही है कि अब पार्टी नए दिशा की ओर बढ़ रही है, नए नेतृत्व को आगे लाने चाह रही है। जो स्थापित प्रदेश के नेता हैं उन्हें अब संगठन में काम करना होगा, नई जिम्मेदारियां निभानी होगी, और इसी कारण रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बने, इसी आधार पर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, और वही आधार वसुंधरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाने का रहा। भारतीय जनता पार्टी अब आगे की तरफ देख रही है कि अब जो स्थापित नेतृत्व है वह केंद्र के अंदर आए, संगठन के लिए काम करे, कार्यकर्ता के रूप में काम करे, संगठन को मजबूत करे और प्रदेश से बाहर निकलकर प्रदेश को नए नेतृत्व के हवाले करे। अभी मैं एक बालकनाथ जी के जिसमें कहना चाहता हूँ, अभी बालकनाथ जी कह रहे थे कि मैं तो दौड़ नहीं रहा था, मीडिया दौड़ रहा था, तो देखिए उत्तर प्रदेश में एक बाबा ने इतना शानदार काम किया कि उसके बाद से लगातार हर प्रदेश के अंदर किसी बाबा को ढूंढा जाता है कि जो प्रदेश का नेतृत्व कर सके। मध्य प्रदेश में ऐसे कोई बाबा नजर नहीं आए, राजस्थान में तो चार चार बाबा चुनाव जीतकर आए, तो इसलिए बालकनाथ पर ज़्यादा ध्यान गया कि शायद राजस्थान के अंदर भी कोई उत्तर प्रदेश जैसा एक बाबा दिया जाए जो राजस्थान को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक नाम दे सके। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री बनाए गए वह भी एक बेहतर नाम है, संगठन से जुड़े हुए, लंबे समय से उनका अनुभव रहा है, लेकिन ये तय है कि जो शुरुआत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपने को देखने मिल रही है, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के बाद और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मुझे लग रहा है कि इसी तरह का सरप्राइज एलिमेंट भारत की राजनीति में और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हमें देखने को मिलेंगे। हर्षवर्धन जी, नहीं मुझे लगता है कि दो चीज़ें पढ़नी चाहिए, बाकी ठीक है संजीव जी जो कह रहे हैं वो भी बात सही है और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन दो चीज़ें अभी ठीक से पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का फीडबैक सिस्टम जो है वो बड़ा दुरुस्त है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, कर्नाटक में बासवराज बोम्मई जब बनाए गए थे, ठीक है येदुरप्पा के ऊपर बहुत सी चीज़ें थी, जो बैगेज बहुत था उनके ऊपर, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता ने कहा कि बाहर से आए हुए व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक जैसा था। इतनी तेजी में सबक शायद कोई पार्टी लेती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जब वो तय कर लेती है कि कोई भी गैर कैडर, गैर संगठन का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तीनों नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, तीनों नामों में आप अलग अलग तरह की बात कर सकते हैं कि विष्णुदेव साय तो फिर भी पुराने आदमी हैं, पहले से रहे हैं, मोहन यादव को आप देखते हैं तो वो तीसरी बार के विधायक हैं और ये तो पहली बार के विधायक हैं, लेकिन तीनों में एक कड़ी कॉमन है कि तीनों के तीनों पार्टी के साथ चुपचाप काम करते हुए जुड़े रहे, यानी अनुशासन निष्ठा के साथ बंधे रहे और संगठन के काम में लगे रहे। जो मोहन यादव के बारे में भी कहा जाता है कि 2003 में उनका टिकट कट गया था, फिर भी उन्होंने कहा कि हम पार्टी के साथ बने रहेंगे। भजन लाल शर्मा को देखिए तो चार बार के महामंत्री, जब कोई प्रदेश में चार बार का महामंत्री हो जाता है तो अब छोटा बड़ा नेता नहीं रह जाता। हाँ, चूंकि उनका स्वभाव नहीं है, भजन लाल शर्मा को कोई आप बहुत बड़े नेता के तौर पर नहीं देखते हैं, बड़े लो प्रोफाइल हैं जो राजस्थान के नेताओं की कतार है, तो ये भी तय है कि आपको राजनीति करनी है, संगठन में समय देना है। जरूरी नहीं कि आप बहुत, जिसको हम देशज में कहते हैं ना कि माहौल बना के बहुत कुछ चले, वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ नहीं देता है। कैडर निश्चित तौर पर इससे उत्साहित हुआ होगा, नेता दुखी होंगे इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि नेताओं के लिए तो मुश्किल है ना भाई कि हम ताकत दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाता है जो पहली बार का विधायक है और जिसके पीछे कोई लोग खड़े नहीं दिख रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देवेंद्र हमारे साथ में चर्चा जोखिम शब्द पर बड़ी देर तक चलती रही कि क्या जोखिम लिया जा रहा है ये बीजेपी की लीडरशिप की तरफ से। अब ये तीनों राज्यों को आप देख लीजिए, अगले चार महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होना है और इनमें 65 सीटें आती हैं इन तीन राज्यों के अंदर ही, और बिल्कुल नई टीम जो है वो उतारी गई है प्रदेश के अंदर, तो ये भी आपको एक दिखा रहा है कि भाई इस बात की परवाह नहीं है कि भाई आगे हमारे क्या खड़ा है, वही जो टीम डिलीवर करती रही है उसी को दोबारा मौका दीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंस है इसलिए ये नई लीडरशिप भी है सामने। अब बिल्कुल सर, अब चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के एक बड़े नेता ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बोला उन्होंने, उनका ये कहना था कि आगे इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा कि कौन सीएम होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए आप लोग कि पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होगा, यानी कि राजनीतिक फायदे के हिसाब से, मतलब त्वरित फायदे के हिसाब से कोई डिसीजन लेना हो वो हम लोग नहीं लेने जा रहे हैं। और 2024 के लिहाज से बात करें तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो बखूबी मालूम है ना कि जिन इन तीनों राज्यों का मैंडेट देखें तो उनके चेहरे का ही मैंडेट है, तो जब राज्यों में जाके अपने चेहरे पे वो जिता ले रहे हैं अधिकांश राज्य में, तो फिर अपने लोकसभा चुनाव के लिए उनको कहाँ मशक्कत करनी पड़ सकती है। इतना ज़रूर है कि राज्य सरकार से ये ज़रूर उम्मीद होगी कि आप 5 साल में ऐसा परफॉर्म करें कि 5 साल बाद फिर से वापसी कराएं, और कई एक्सपेरिमेंट जैसे प्रेम शुक्ला जी ने अच्छे नाम बताए, लेकिन कई दूसरा पहलू आप देखें तो कई एक्सपेरिमेंट ऐसे रहे हैं जो कि बहुत बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं, जिन नामों को हमने बताया उसके अलावा बिहार के भी दोनों डिप्टी सीएम को आप देख लें, दो डिप्टी सीएम आपने बनाया एस्टेब्लिश लीडरशिप को हटा के, और आज वो दोनों डिप्टी सीएम कहाँ हैं, पार्टी ही उनका इस्तेमाल नहीं कर रही है।
तो ये जोखिम जरूर रहता है और वो दायित्व भी इन बड़े नेता इन नेताओं पे है जो कि बड़े नेताओं ने डाला है कि आपको अवसर दिया गया, आप परफॉर्म करके पार्टी के लिए एसेट बने, लायबिलिटी नहीं। प्रेम शुक्ला जी, जोखिम इसीलिए उठाया जाता है कि बस सरप्राइज करना है या इसके पीछे पूरा एक सिस्टम होता है जो काम करता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करती है। आप याद कीजिए 2005 में जब शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तब सबने कहा था जोखिम है। आज सब कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का बड़ा अनुभव था। जब वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था भैरव सिंह शेखावत के हटने के बाद तब सबने कहा था बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, वसुंधरा जी बहुत सक्सेसफुल रहीं। मोदी जी का मैंने उदाहरण दिया, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा था वो उदाहरण भी। जब देवेंद्र फडणवीस को विशेष करके महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र में कहा जाता था कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया ही नहीं जा सकता, और कांग्रेस ने एक भी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जितने दिन रहा, और सिर्फ बाला साहब ठाकरे ने एक बार जो है मनोहर जोशी जी को, और एक बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो देवेंद्र फडणवीस पर विश्वास व्यक्त किया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी कितने सक्सेसफुल मुख्यमंत्री रहे हर किसी ने देखा। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में वही चीज़ देख लीजिए, मनोहर, और जो बिप्लव देव, और एक दो उदाहरण जो तीरथ सिंह रावत। अब तीरथ सिंह रावत के मामले में उनका जो है चूंकि चुनाव बाई इलेक्शन नहीं था इसलिए हटे वो, और बिप्लव देव हटाए गए, उनको दूसरा दायित्व दिया गया। लेकिन बिप्लव देव और माणिक सरकार दोनों की कार्यकाल के कारण त्रिपुरा में कालांतर में हमारी सत्ता आई है। ये बाय इलेक्शन वाली बात पर पता नहीं देवेंद्र जी क्यों हंसने लगे, तीरथ जी इसलिए हट गए कि बाय इलेक्शन नहीं हो सकता था। देवेंद्र जी खुशमिजाज व्यक्ति हैं, उनके चेहरे पे हंसी अच्छी लगती है। मतलब उन चार महीनों में तीरथ सिंह रावत जी ने जो जो कहा था पार्टी से सहमत थी ना कि उन्होंने सही बात कही है? देखिये, कुछ टिप्पणियां आप करने के हकदार है, पत्रकारों का जो है उन्मुक्त आकाश होता है। आप खुद पत्रकार रहे हैं, मैं तो अभी भी आपको पत्रकारी मानता हूं। अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों में कुछ की सीमाएं बांध दी जाती है। नहीं, लेकिन अच्छा हुआ। मैं तो ये कहूंगा कि जो जिस भी वजह से हुआ, तीरथ सिंह रावत कुछ दिन और रह जाते तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में क्या हाल होता, वो सचमुच बाबा केदार ही मालिक होते। क्योंकि जिस तरह से वो बोलते थे, जो व्यवहार उन्होंने किया, वो बेहद अशोभनीय आचरण, बेहद निंदनीय आचरण। एक नेता इस तरह से, वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ, ऐसी बात करे, बड़ा भला हुआ कि उनको समय से हटा दिया गया। लेकिन ये सभी लोग बिल्कुल अननोन कमोडिटी जैसे हैं हर्षवर्धन जी, अभी कुछ जानते नहीं हैं इनके बारे में, मतलब उनकी कैपेबिलिटीज पर डाउट नहीं कर रहे, लेकिन सार्वजनिक जीवन के बारे में उतना पता नहीं है लोगों को। ठीक बात है। देखिए, ये जोखिम तो हर वक्त रहेगा जब भी आप नया चुनेंगे, और ठीक है, हम सारे लोग चौंके ही, भजन लाल शर्मा का नाम हम सबके लिए चौंकाने वाला है। लेकिन एक चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काम करने में उनको ये भरोसा रहता है कि जिसने हमारे संगठन में 10-20 साल काम कर लिया, जिसने हमारी पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं, नीतियों को उसको जिलों तक ले जाके हो गए। और देखिए, महामंत्री होने का बड़ा सीधा सा मतलब होता है कि जो भी प्रदेश के देश के कार्यक्रम होंगे उनको वो लेकर पूरे प्रदेश में गया होगा। और आमतौर पर एग्जीक्यूटिव के तौर पर अध्यक्ष तो होता ही होता है, लेकिन महामंत्रियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भजन लाल शर्मा कितना परफॉर्म करेंगे, कितना अच्छा करेंगे, जोखिम है, लेकिन इसी जोखिम में से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे चेहरे निकाले हैं। और जिसको हम कहते हैं कि नया विस्तार करना, जो कांग्रेस पार्टी रह जाती है, कांग्रेस एक को पकड़ लेती है तो कहती है जब तक ये हारेगा नहीं, जब तक ये पार्टी खत्म नहीं करेगा तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती, नए चेहरे आजमाती रहती है। समीर जी, मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी ने जो तीनों नेता चुने हैं, मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, ये तीनों जयपुर संभाग से आते हैं, तो क्षेत्र के जो रहता है कि क्षेत्र के अंदर संतुलन स्थापित करना, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वो कैबिनेट के अंदर देखने के मिलेगा कि क्षेत्रीय संतुलन साधेगी। तीनों जो नेता है वो जयपुर से आते हैं, दिया कुमारी विद्याधर नगर से आती है, सांगानेर से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, और दुदू से जो तीसरे उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री बनाए गए वह वहाँ से आते हैं। तो मुझे लग रहा है जयपुर क्षेत्र को बहुत प्राथमिकता दी गई है, तीनों जयपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी विधानसभा में। देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान का, इससे सस्पेंस हट चुका है। भजनलाल शर्मा के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। नई सरकार बनाने का जो दावा है वो भी पेश कर दिया गया है। अब क्या कास्ट इक्वेशन साधी गई है, इन तीन राज्यों से क्या मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए इंडिया टीवी। एक बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मुकाबला। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब अब मिल चुका है। अब सरकार का गठन होना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल नई सरकार का गठन हो जाएगा। राजस्थान में अभी तारीख आना बाकी है कि कब राजस्थान में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, कब नई सरकार का गठन होगा। लेकिन जिस तरीके से इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने तमाम इक्वेशंस को साधकर, समीकरणों को साधकर मुख्यमंत्री चुने हैं और डिप्टी सीएम चुने हैं, उससे 24 के लिहाज से
क्या फर्क पड़ता है, 24 के लिहाज से उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसी दिशा में आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हर्षवर्धन जी, देखा जाए तो 24 के लिए बहुत ज्यादा वक्त तो है नहीं, अब जितने भी मुख्यमंत्री काम करेंगे इन तीनों ही राज्यों में उनका रिपोर्ट कार्ड बहुत ज्यादा असर डालेगा इन चुनावों में, ये भी नहीं कहा जा सकता, तो क्या सिर्फ जातिगत जो समीकरण है वही सेट करने की कोशिश है? नहीं, सिर्फ इतना भर नहीं माना जा सकता है। देखिए, 24 का चुनाव तो पूरी तरह से एक चेहरा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये मुख्यमंत्री नहीं होते, कोई और होता, या शिवराज और वसुंधरा और रमन भी थे तो क्या था, 18 में चुनाव तीनों हार गए थे ना, लेकिन नरेंद्र मोदी की सेहत पर कोई फर्क पड़ा क्या? उन राज्यों से जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार से बुरी तरह से हार कर बाहर हुई थी, उसमें मैं छत्तीसगढ़ का नाम लूं तो वहां 11 में से 9 सीटें लोकसभा की जीत लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जहां वो सरकार में नहीं रहे, एक सीट छोड़कर छिंदवाड़ा की, सब जीत लेते हैं। राजस्थान में 100% प्रदर्शन कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये कोई संभावना, मतलब इसको हम किसी तरह से नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये लोग करेंगे क्या, इस पर बात करें। अगर एक तो इन सब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करने का दबाव होगा, अगले 6 महीने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये लोग ऐसा कोई काम न कर जाएं नए होने की वजह से जो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं करना चाहिए और राज्य में उसका गलत मैसेज जाए। दूसरा, अपने उप मुख्यमंत्रियों के साथ तालमेल बनाकर चलना, जिससे कि जो जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण साधने के लिए 2024 के लिहाज से किया गया उसमें कोई गड़बड़ ना हो। अब ये जो बार बार कहा जाता था उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मण है जाति के तौर पर, उनको कहा जाता था कि उनका कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है, उप मुख्यमंत्री हर जगह बना दिया, अब एक जगह मुख्यमंत्री भी बना दिया। मोहन यादव के होने से जब बिहार और उत्तर प्रदेश में तो योगी मोदी की जोड़ी किसी और की जरूरत है नहीं, लेकिन बिहार में 40 में 39 सीटें भाजपा और जनता दल यूनाइटेड और रामविलास जी की पार्टी के पास थी। अब क्या वो आएगी? उसके लिए जब मोहन यादव जाकर वहां सभा करेंगे और तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे कि यादव यहां परिवार के अलावा कौन मुख्यमंत्री बन पाया, लालू जी को जेल जाना पड़ा तो राबड़ी बनी, राबड़ी के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बने, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता अचानक मुख्यमंत्री बन जाता है, तो वो जब ये बात कहेंगे तो शायद उस मतदाता समूह को भी समझ में आएगी, जो मतदाता समूह आम तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है। हालांकि ये माना जाता है कि 19 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ ऐसे मतदाताओं ने वोट किया था। तो लार्जर पिक्चर अगर देखें तो नरेंद्र मोदी उन सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी लालू यादव पूछते हैं, कभी अखिलेश यादव पूछते हैं, कभी राहुल गांधी पूछते हैं, उन सब का जवाब इन राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चयन से किया गया है। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे लगा था शायद संजीव जी नहीं है, सर आपको काफी देर इंतजार कराया। अब जो नाम है तीनों राज्यों में वो हमारे सामने है, इसका आप बीजेपी लीडरशिप की तरफ से मैसेज क्या देख रहे हैं, खास तौर पर जो वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, उस पेडिग्री के जो नेता हैं उनके लिए? देखिए, अभी इसका उत्तर भी तो एक्चुअली में तो मोदी जी दे सकते हैं कि उनके लिए क्या मैसेज है, आगे उन्होंने क्या सोचा हुआ है। रमन सिंह तो विधानसभा अध्यक्ष बन गए तो वो तो वहां पे विधानसभा को संचालित करेंगे, शिवराज क्या करेंगे और वसुंधरा क्या करेंगी इसका फैसला मोदी जी लेंगे कि उनको क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना है या उनको राज्यपाल बनाया जाना है या इनमें से कुछ भी नहीं होना है। देखिए, ये एक किसी अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग था, मेरे ख्याल से त्रिशूल का या किसी का, कि भाई पूरा फर्नीचर ही बदल डाला तो कह रहे कि पूरा का पूरा फर्नीचर बदल गया। तो पहले तो ये जो सरप्राइज और शॉक, तो शॉक एंड ऑ का वर्ड इस्तेमाल हुआ था गल्फ वॉर और उसके बाद इराक वॉर के दौरान, शॉक एंड ऑ ट्रीटमेंट, तो ये जो शॉक एंड ऑ ट्रीटमेंट बीजेपी के स्थापित नेताओं को मिला है, पहले तो उन्हें कुछ समय उससे उबरने में लगेगा। आज सुंदरा जी की शक्ल बिल्कुल उतरी हुई थी, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, वो प्रस्तावित करना नहीं करना एक अलग बात है, वो सब तो रस्म अदायगी करनी होती, क्योंकि जब उन्होंने वो पर्ची देखी भजनलाल शर्मा के नाम की तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको खुशी हुई होगी, चलो मेरा कोई तथाकथित रकीब तो नहीं बनाया मुख्यमंत्री, लेकिन ये कहां से प्रकट हुए महानुभाव, ये नाम कहां से प्रकट हुआ, तो इतना सरप्राइज। तो अभी तो थोड़े दिन तो उसमें निकल जाएंगे सरप्राइज में और ये सब विश्लेषण में, अरे भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस तरह की बात से। उसके बाद जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, इस बात की तो संभावना कोई कतई बचती नहीं अब कि ये कोई ऐसा काम कर दें जो इनको बतौर मुख्यमंत्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई काम करेंगे ही नहीं बिना पूछे ऊपर,
तो ये भी तो एक इन सब में मैसेज है भाई, वो यादव जी जाके वहां बोलेंगे बिहार में कि देखो मैं बिना परिवार के आया हूं, लेकिन वो यादव जी या यहाँ भजनलाल जी, भाई एक चर्चा ये भी तो है ना कि एक रबर स्टैंप्स को इकट्ठा कर लिया गया है देश भर में, जो बिल्कुल जिनका व्यक्तिगत उस तरह का कोई प्रभाव नहीं है, कोई उनकी स्थिति नहीं है, भाई सब लोगों ने जो हटे हैं उन्होंने उसी की तो कीमत अदा की है, क्योंकि वो कुछ हद तक अपनी मर्जी के मालिक थे, अब बिल्कुल ही मर्जीदा आ गए हैं। तो इसलिए होगा तो कम से कम एक बात तय है। हालांकि प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दे रहे थे, संजीव जी बहुत सारे ऐसे नाम भारतीय जनता पार्टी ने दिए भी है, देवेंद्र फडणवीस है, पुष्कर सिंह धामी है और नेता ऐसे जिनको शायद उनकी चर्चा हमारे आपके बीच में नहीं होती थी उतना, उनको भी शायद कोई रबर स्टैंप ही समझ रहा हो कि भाई इनको केवल सेंटर की जो बिल है उसको लागू करने के लिए लाया गया। ऐसा है, देखिए प्रेम जी पार्टी के प्रवक्ता हैं और बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बढ़िया व्यक्ति हैं। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के अध्यक्ष थे जहां तक मुझे सही ध्यान है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी मेमोरी ये कह रही है कि देवेंद्र फडणवीस के बाद कोई बड़ा पद था जब मुख्यमंत्री बने, ऐसे ही नहीं था कि आसमान से टपक गए। उसी तरह से पुष्कर धामी विधायक थे जब उत्तराखंड में बदले जा रहे थे चीफ मिनिस्टर्स, तो खट्टर साहब जरूर श्रेणी के हैं, जो बिल्कुल सरप्राइज एक नाम आया था हरियाणा की राजनीति में, लेकिन वहां पे ये समझ में आया था कि बीजेपी ने एक सोशल इंजीनियरिंग की है कि जाटों के सामने एक नॉन जाट चेहरा रख दिया, तो वहां की पूरी राजनीति को सर के बल खड़ा कर दिया गया। ये जो हो रहा है कि पुराने जो कोई भी अनुभवी है थोड़ा बहुत, उसका तो नाम को कंसीडर ही नहीं किया जाना, तो ये तो बिल्कुल नए दिशा की राजनीति है, और अब समय बताएगा कि ये कितनी प्रभावी सिद्ध हो रही है। लेकिन इसके अंदर ये तय हो गया है कि जो कुछ भी होगा ऊपर के इशारे से होगा, अपनी मर्जी से अब कोई मुख्यमंत्री काम नहीं कर सकता। इनकी पूरे विनम्रता के साथ कह रहा हूं और सम्मान के साथ कह रहा हूं नए मुख्यमंत्रियों के लिए। अभी आपने लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया था, प्रेम जी से उस पर राय तो ले ले, रबर स्टैंप इकट्ठा किए जा रहे हैं क्या देश भर में? देखिए महाभारत में एक शब्द आया है पिपीली का पक्ष, जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको निमंत्रित किया, मनुष्य देवता यक्ष गंधर्व पक्षी सबको निमंत्रित किया, किसी ने उसमें कोई दोष नहीं देखा। एक चींटी खड़ी हुई और उसने कहा मेरे लिए ठिकाना नहीं है, तो दोष तलाशना जो है वो हमारे हम पत्रकारों का जो है दायित्व है, अधिकार है। चलिए आपने हम तलाशते हैं, हम इसी में संतुष्ट हैं हम पत्रकारों का। ठीक, अब आगे देखिए सवाल, अब तो पहला प्रश्न तो ये है कि भाई शक्ति ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कब होगा? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का तो हम जानते हैं कल होने जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह, तो कल ये दोनों मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे, और परसों मुमकिन है कि राजस्थान का भी शपथ समारोह हो जाएगा, मदन लाल शर्मा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन क्या मैसेज दिया गया है तीनों राज्यों में इस किस्म की नई लीडरशिप देकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? क्या अब हर राज्य में ऐसे ही नई टीम, युवा नेता, नए चेहरे, संगठन से जुड़े हुए ऊर्जावान लोग यही अब चलाएंगे भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां भी होंगी? और दूसरा संदेश, जो ओल्ड गार्ड जिसको कहा जाता है, आपके पार्टी के पुराने चेहरे, जाने पहचाने चेहरे, खास तौर पर वो जो शायद अब उस उम्र की दहलीज पर भी पहुंच गए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की रेड लाइन शुरू होने लगती है, उनके लिए संदेश साफ है कि आप अब रिटायरमेंट का पक्ष चुनिए वरना आप रिटायर कर दिए जाएंगे, या फिर वसुंधरा राजे हो या शिवराज सिंह चौहान, उनकी राजनीति अभी बाकी है, पार्टी उनकी राजनीति में अभी और जमीन देख रही है और उनको कहीं ना कहीं कोई अच्छी पोजीशन दे करके उनका उपयोग किया जा सकता है।